चल किशोर जी हैं जो आज एक अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं। सर क्या मकसद है इस पदयात्रा? ये पदयात्रा उत्सव है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख धारा 370 और 35 से खत्म होने से आज़ाद हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की वजह से, गृह मंत्री अमित शाह जी की वजह से और हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की वजह से जो ये आज़ाद हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आज उसी के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इसको एक पदयात्रा उत्सव मनाने का कार्यक्रम कर रहा है। कहीं ना कहीं से लग रहा है इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है 370 को हटाने का, उसको लेके विपक्ष कहीं ना कहीं से इसको घेर रहा है। सर विपक्ष का पर्दा पास हो गया, विपक्ष के समझ में नहीं आ रहा क्या करें, इसलिए विपक्ष के नेता आए साए बाएं बक रहे हैं और वो सही दिशा कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे। और ये एक ऐसा कदम है भारतीय जनता पार्टी का जिससे पूरा देश पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट होकर खड़ा हो गया। प्रियंका वाड्रा एक बार फिर से सर रायबर वहाँ सोनभद्र गई थी पीड़ित परिवार से मिलने, कहीं ना कहीं ने वो इस बात से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रही है? नहीं नहीं, वो दरअसल में लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। गई थी वहाँ पर सोनभद्र में, लेकिन मीडिया के लोग जब उनसे पूछते हैं कि धारा 370 के बारे में क्या कहना है तो उनके लोग मीडिया के ऊपर हमला करते हैं। तो इस तरह वो बचने के लिए धारा 370 से जो जनता का मोबिलाइजेशन बीजेपी की तरफ हुआ है उससे बचने के लिए जवाब ना देना पड़े इसलिए वो सोनभद्र में अपने को लेने ले गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रूस दौरे पे गए थे तो लगता है सर कहीं ना कहीं से विकास को बढ़ावा मिलेगा? बड़े पैमाने पे देश विकसित हो रहा है और विकास की ओर जा रहा है, विदेशी कंपनियां भी यहां पर इन्वेस्ट करेंगी और हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, देश बड़ी तेजी से प्रगतिशील के रास्ते पे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हमारे साथ सांसद कौशल किशोर हैं जिनका कहना ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पदयात्रा 370 को खत्म करने में निकाली गई थी। संदीप के कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ R9 TV लखनऊ।